स्टैनफोर्ड का बैट इज अ गोगो टाइप लगाए हुए पैर पैर में थोड़ा सा कालापन है इस पे, लेकिन स्टिल बिल्कुल फ्रेश रखे हैं, ऐसा लग रहा है बिल्कुल नए हो। मैंने काफी टाइम लगा, लगभग 4-5 साल हो गए इस पैड को। यार इस सड़ी गर्मी में, स्पेशली जो मॉनसून के बाद गर्मी आती है ना, वो ह्यूमिडिटी बहुत ख़राब होती है, वो आपको लाइक टोटली डिहाइड्रेट कर देती है। तो बहुत ज़रूरी है हाइड्रेट रहना, पानी पीना और ऐसे ड्रिंक्स पीना जिससे आप हाइड्रेट रह सकें। ये इसलिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं कि आपको ड्रिंक्स की जानकारी दूँ। और हाँ यार, ब्लैक वाटर वाला पिया था मैंने 1-1.5 महीने, ऐसा कुछ खास नहीं टू बी ऑनेस्ट। पानी पीजिए, हाइड्रेट रहिए। अच्छा, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैंने काफ़ी लंबे समय पहले बोला था कि मैं पिछले 7-8 सालों में 10 सालों में जो किट बैग्स मैंने पर्सनली यूज़ करे हैं उनकी मैं एक एक करके अनबॉक्सिंग करूँगा। मतलब पुराने किट बैग्स हैं, अब जो भी उनमें पड़ा होगा उस पर्टिकुलर ब्रांड का या जो भी स्टफ निकलेगा मैं आपके साथ अनबॉक्स करूँगा और शेयर करूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा इनके साथ। आज फाइनली स्टार्ट करते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं माई पर्सनल किट बैग। लेट्स गो। यार आप लोगों ने भी कभी ना कभी डिफरेंट ब्रांड्स को यूज़ किया होगा अपने प्लेइंग लाइक जब आप खेलते हैं, तो ऑब्वियसली ये लंबे समय अगर आप खेलेंगे या प्रैक्टिस करेंगे तो आप किट्स भी चेंज करते हैं। तो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम इन काफ़ी सालों में मैंने काफ़ी डिफरेंट चीज़ ट्राई करी, और फिर जब रिव्यू करना चालू किया आपके लिए तो मैंने ऑलमोस्ट सारी ब्रांड्स को, जो मेजर ब्रांड्स हैं या छोटी ब्रांड्स, उन सबका मैंने स्टफ़ ट्राई किया है। लेकिन आज जिस किट बैग की मैं बात कर रहा हूँ, इसको मैं पहले अनबॉक्स कर चुका हूँ जर्नल में, लेकिन ये पर्सनल चीज़ें मैंने यूज़ करी हैं रिसेंट टाइम में लाइक फॉर पर्सनल यूजेज, और पुरानी हैं ये चीज़ें। इसमें कुछ पुरानी है, शायद 1-2 चीज़ें आपको नहीं मिल जाएँ, अदरवाइज सारा स्टफ़ पुराना ही है और काफ़ी लिमिटेड है, इन द सेंस के मैं खुद बहुत दिनों बाद ये वाला पर्टिकुलर किट बैग खोल रहा हूँ, तो देखते हैं इसमें से पुरानी जो चीज़ होगी वो निकाल देंगे लिमिटेड सी और आपको दिखा दें। तो ग्रे निकल्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि यूके की ब्रांड है, और ग्रे निकल्स बड़ा ही आइकॉनिक ब्रांड रही है। और ये जो आप बैट में बड़े बड़े वो देखते हैं ना, लाइक उनके जो चौड़ापन देखते हैं ना, इतने मोटे मोटे जो बैट आ रहे हैं, तो ये जो देन है ना वर्ल्ड को, ये ग्रे निकल्स का स्कूप मॉडल आया था 1970s में, स्कूप मॉडल बैट आया, उससे फिर बैट का जो बैट मेकिंग जो है वो टोटली चेंज हो गई। जैसे वेट उन्होंने डिफरेंट जगह डाल दिया, अदरवाइज आप पहले के बैट्स देखिए, और मैंने पहले भी रिव्यू किया है, ग्रेट सुनील गवास्कर के बैट का रिव्यू किया और फिर एक SG के बैट का रिव्यू किया जो कि हार्दिक पांड्या अभी यूज़ कर रहे हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, तो कितना डिफरेंस था। तो एक्चुअली इसका जो श्रेय जाता है सबसे पहले ग्रे निकल्स ने किया, तो ग्रे निकल्स की रिच हिस्ट्री रही है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स, लेजेंडरी प्लेयर्स ने ग्रे निकल्स यूज़ किया। आप बता दो, इंग्लैंड की ब्रांड है, यूके में स्टफ बनता है, ये सोच रहा पूरा यूके से बन के आता है, ऐसा नहीं है। इंडिया इतना बड़ा मार्केट हो गया है ना कि हर कंपनी को अपनी फैक्ट्री यहाँ लगानी पड़ रही है, तो इसकी फैक्ट्री इंडिया में है। बता दूं ग्रे निकल्स ने भी यहाँ पर अपना स्टफ बनाना चालू कर दिया है, तो यहाँ का प्रोडक्शन अलग हो रहा है और यूके का अलग होता है। यूके में जो बैट है वो डिफरेंट है और इंडियन ग्रे निकल्स यही बन रहे हैं। लकड़ी की जगह से आती है, लकड़ी कहाँ से आती है, इंग्लैंड से आती है, इंग्लिश फिलो, ठीक है ना। तो ये रहा वो किट बैग ग्रे निकल्स का जो कि आप देख पा रहे हो, जो कि मैंने यूज़ किया पिछले कुछ समय से, जो कि बहुत लाइक मुझे कंफर्टेबल लगा और काफ़ी स्पेशियस था, बहुत सही लगा मुझे। ऑब्वियसली कलरिंग वगैरह, ब्लू कलर वैसे मुझे बहुत पसंद है यार, आप लोगों भी जो आपका फेवरेट कलर होता है उसकी तरफ ज़्यादा भागते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैड से, क्योंकि मुझे ग्रे निकल्स के जो पैड्स हैं बैटिंग लेग गार्ड्स मुझे हमेशा पसंद आए, जब भी मैंने इन्हें यूज़ किया है, और ये जो मॉडल है काफ़ी लाइक मैंने काफ़ी यूज़ कर लिया, अब एक्सकैलिबर GN9 के पैड्स, बहुत कंफर्टेबल, एक्सट्रीमली कंफर्टेबल, और जो इसका अलग ही शीन है ना इन पैड्स पे, तो हमेशा ये नए जैसे लगते हैं। टू बी ऑनेस्ट अभी भी आपको लग रहा होगा कि कुछ देखिए डाइव लगाए हुए पैड पहनेंगे तो थोड़ा सा कालापन है इस पे, लेकिन स्टिल बिल्कुल फ्रेश रखे हैं, ऐसा लग रहा है बिल्कुल नए हो। लेकिन इन्हें काफ़ी टाइम लगा, लगभग 4-5 साल हो गए इस पैड को, तो उसके बावजूद दे आर एक्सट्रीमली गुड। तो फिर ये देखिए स्ट्रैप्स बिल्कुल वैसे के वैसे हैं, क्योंकि जनरली आप पैड्स लें इतने लंबे समय, अगर आपके स्ट्रैप्स सही हैं, कहीं से भी आपको मुझे नज़र नहीं आ रहा कि पैड फट रहे हो, कुछ दिक्कत आ रही हो, तो एक्सकैलिबर के ये पैड मैंने GN के लिए थे, टॉप क्लास, एक्सट्रीमली लाइट और रनिंग बिटवीन द विकेट्स में तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और ग्रे निकल्स का उसमें क्या है, डुअल लेयर EVA जोन है इसमें, जिससे ये एक्सट्रीमली लाइट मटेरियल का बना हुआ है, और इससे आपको पता नहीं लगेगा कितना लाइट लेग गार्ड है, और वैल्यू फॉर मनी है। आई थिंक इफ आई रिमेम्बर इनकी प्राइसिंग अराउंड 3,500-4,000 रुपये के होने चाहिए, इतना मुझे याद है, और उसमें वैल्यू फॉर मनी है। और ऊपर वाली पॉकेट में और क्या क्या है ये देख लेते हैं, ये बैटिंग हिनर एक ही बचा है इसका, ये देखिए बैटिंग हिनर बीच में मैंने यूज़ किया था क्योंकि बहुत स्वेट करते थे हाथ, लेकिन उसका सोल्यूशन फिर मैंने निकाला। यार किसी किसी की हैबिट होती है बैटिंग हिनर को पहनने की, ऑब्वियसली स्वेट करने के लिए, स्वेट कम करे तो बेटर ग्रिप देता है बल्ले पे, ये माइंडसेट के ऊपर है या प्रिपरेशन या फिर आपकी आदत बन जाती है।
तो मैं कभी कंफर्टेबल नहीं होता था यार इसे पहनने में, तो ये एक ही पड़ा है इसका सोल्यूशन। फिर मैंने निकाला ये ग्रिप टेक। अभी ग्रिप टेक ये क्रीम आपने देखी बड़ी मशहूर हो रही है, क्योंकि विराट कोहली को भी शायद काफ़ी वीडियोज़ में या फिर ट्रेनिंग में काफ़ी जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं जो सुपर स्टार्स हैं तो उनके हाथों में यार ये क्रीम देखी गई, तो ऑब्वियसली काफ़ी लोगों ने इसे यूज़ भी किया। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसका बहुत टॉप क्लास रहा। ग्रिप टेक को यूज़ करने के बाद आपके जो हाथ है वो स्वेट लिटरली करते ही नहीं, बहुत कम करेंगे, और अगर बैट होल्ड करेंगे ना आप देखते ना कितना स्वेटी आपके पाम्स हो जाते हैं, और स्पेशली ऐसी गर्मी में सब कॉन्टिनेंट में इंडिया पाकिस्तान में श्रीलंका में कितनी गर्मी होती है, तो अगर आप वहाँ के क्रिकेटर हैं वहाँ के प्रोफेशनल हैं तो आई थिंक दिस विल हेल्प यू आउट। और ग्रिप टेक का मैंने सेपरेट एक रिव्यू किया था, और मैं बहुत जल्दी इसका कंपैरिजन करूंगा इंडियन कुछ ब्रांड से और बताऊंगा मुझे बेटर क्वालिटी। लेकिन अभी वर्ल्ड की नंबर वन है अगर हम बात करें एंटी स्वेट। ये रहा आर्म बैंड होता है ना, मेरी हैबिट है ऐसे बांधने की, तो ये पहले मैं बांधता था हमेशा, अभी भी इनफैक्ट बांधता हूं जब भी अगर मैचेस हैं तो यहां पर आर्म बैंड काम आता है। ये भी हैबिट के ऊपर है, उसके कभी कभी थोड़ा पसीना आ गया तो आपने ऐसे पोंछ लिया, लेकिन ये हैबिट बन जाती है ना। काफ़ी क्रिकेटर्स को देखा होगा आपने वो आर्म बैंड यूज़ करते हैं, कुछ कॉस्को बॉल्स फॉर कैचिंग ट्रेनिंग लेदर बॉल के साथ, क्योंकि टेनिस बॉल के साथ टेनिस रैकेट के साथ अगर टेनिस बॉल की प्रैक्टिस करें ना कैचिंग में तो बहुत हेल्प करती है, और अगर आपको शॉर्ट बॉल की प्रैक्टिस करनी है तो टेनिस रैकेट से भी आप पुल शॉट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत तेज़ बॉल आएगी टेनिस रैकेट से, तो ये बॉल रखते हैं हमेशा। फिर इसके बाद थाई पैड की बात करते हैं, तो किट बैग में ये थाई पैड अभी करंटली मुझे पसंद आ रहा है, ग्रेनिकल्स का ही है, और ग्रेनिकल्स की किट में ग्रेनिकल्स ही निकला है यार। मैंने आपसे बोला था कुछ भी सामान निकलेगा आई विल मेक श्योर कि आई विल, दिस इज द न्यू वन, ये न्यू वन मैंने ऐड किया है, और ग्रेनिकल्स का GN9 मॉडल का है, और बहुत सही है यार। अभी लाइक एक या दो मरतबा ही मैंने इसको भी यूज़ किया है, ये इनर था है, ये आउटसाइड, बहुत ही लाइट मटेरियल, एक्सट्रीमली लाइट विद द लोगो ऑफ ग्रेनिकल्स, और बहुत ही जो स्ट्रैपिंग भी है ना वो बड़ी अट्रैक्टिव बनाई है ग्रेनिकल्स, और अंदर जो सपोर्टर भी है ना यार वो भी ग्रेनिकल्स का मैंने बहुत यूज़ किया है। अभी वो खोल के दिखाते हैं, लेकिन सपोर्टर बड़े सही आते हैं ग्रेनिकल्स के, आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये रख दिया मैंने अंदर। अब इसके अलावा किट बैग में क्या है देख लेते हैं भाई। ये समझे ना आप क्या है, साइड आर्म भी यार होना चाहिए मेरे हिसाब से, इतने भी बैट्समैन वगैरह हैं तो उनके पास ये चीज़ तो डेफिनेटली होनी चाहिए। अब इससे इसका एक सेपरेट लॉन्ग वीडियो मैंने बनाया था, इसके इफेक्टिव कितना इफेक्टिव है उसका प्राइम एग्जांपल है सूर्य कुमार यादव। अपने साथ एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि सूर्य कुमार यादव जहाँ भी बॉम्बे जाते थे ना, बॉम्बे में प्रैक्टिस कर रहे थे अपने जब थोड़े स्ट्रगलिंग डेज में, तो हमेशा साइड आर्म स्पेशलिस्ट को लेके चलते थे साथ में अपने, मुंबई में कहीं भी ट्रेन कर रहे होते थे, और इससे प्रैक्टिस करना लाइक 150-155 तक बॉल जा सकती है, और जो सामने वाला आपका जो साइड आर्म फेंकने वाला स्पेशलिस्ट है ना वो थकेगा नहीं, लगातार आपको ट्रिमेंडस एक्सप्रेस स्पीड में करा सकता है। तो यार ये बैट्समैन ये हमेशा मैं रखता हूँ अपने पास, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो जस्ट मेक श्योर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी साइड आर्म, और इससे जिस एंगल से भी बॉल आती है ना, जिस ऑकवर्ड एंगल से एक्सप्रेस बॉल निकलती है, तो फिर आपको इससे आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो एक चीज़ तो सही हो जाएगी यार, आप तेज़ बॉल से डरोगे नहीं, वो डर निकल जाएगा, क्योंकि अगर आप में डर नहीं है तेज़ बॉल फेस करने का, फिर आई थिंक फिर आप बेटर प्लेयर बन सकते हो, जितने भी एस्पिरेशनल प्लेयर्स हैं प्रोफेशनल हैं, तो आई थिंक ये डेफिनेटली आप अपने पास रखा करें एज अ बैट्समैन, और इससे प्रैक्टिस करने की कोशिश करें तो ऑकवर्ड लेंथ में जितनी तेज डिलीवरी आती है उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। तो ये रखा है किट बैग में, और क्या है भाई अंदर इसके, यार ये तो बचाना ही पड़ेगा नारियल बचाने के लिए, नारियल टूट गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये ना हेलमेट ग्रेनिकल्स का, और हेलमेट की क्वालिटी भी बहुत आला है, बहुत टॉप। लेकिन यार एक चीज़ मुझे मालूम, इस हेलमेट में और दूसरे हेलमेट में मैंने जब कंपेयर किया पहन के भी देखा, जैसे मैंने श्रेय का भी यूज़ किया, ग्रेनिकल्स है SSK भी हैं, लेकिन अगर बात करें श्रेय बहुत टॉप क्लास बनाता है हेलमेट, उसमें दो राय नहीं है, और उसका रीज़न है कि अगर मैं कंपेयर करूँ ना वेट से, इसका वेट और सेम प्राइस रेंज में अगर हम श्रेय से कंपेयर करें तो थोड़ा लाइटर है। तो इस किट बैग में ग्रेनिकल्स का था तो आई थिंक थोड़ा सा वेट ज़्यादा लगता मुझे इसका, तो मैं इतना इसको यूज़ नहीं करता हूँ, और अदरवाइज सेफ्टी वाइज तो सही है जो स्टफ़ है, और जो स्टाइलिंग में सही है, वेंटिलेशन भी सही है, देखिए ऊपर वेंटिलेशन के लिए भी वेंट बने हैं ऊपर, ये देखिए वेंट बने हैं। तो ग्रेनिकल्स का हेलमेट डिसेंट ऑप्शन बट नॉट द बेस्ट वन यार। से मैंने हर जगह हाथ डाला तो यार मुझे मेरे एल गार्ड नहीं मिल रहे, वो ज़रूरी है एल गार्ड यार, वो भी दिखाता मैं आपको, लेकिन आप समझोगे वो तो अंडरस्टूडेबल तो होना ही चाहिए, लेकिन यार इस किट बैग में नहीं है, दूसरे किट बैग्स में होगा शायद, वो इसमें मुझे एल गार्ड नहीं मिल रहा, तो एल गार्ड दिखाने की जरूरत नहीं है, जैसे तो कंप्लीट किट की बात ही नहीं, मेरी बात हो रही जो जो सामान इसमें है। अब ये जो बैट है ग्रेनिकल्स का, ये बहुत पुराना है, लगभग इसे हो गए हैं 7-8 साल, और ये कबूब मॉडल आता था ना ग्रेनिकल्स का, ये वो बैट था जो काफ़ी लंबे समय मैंने यूज़ किया, बहुत पावरफुल बैट था यार ये कबूम, रिमेंबर पहले आता था जो, बहुत सही बैट था यार ये, एक्सट्रीमली पावरफुल और ज़बरदस्त बैलेंस था। तो ये वाला बैट यूज़ करा,
अब इसके अलावा ग्रेनिकल्स का एक और ये रहा, ये वाला बैट भी लाइक उसको भी काफ़ी लंबे समय हो गया। तो ग्रेनिकल्स के ये दोनों बैट थे। अब एक नए बैट का ऑप्शन मैंने इसमें ऐड किया है जो मैं यूज़ करना चाहता हूँ, रिव्यू के लिए भी यूज़ करना चाहता हूँ। पहले रिव्यू किया लेकिन अब मैं इन नेट्स यूज़ करके बताऊँ, बिल्कुल फ्रेश है। दिस ओमेगा, दिस द इकोनॉमी वर्जन जो मैं आपके लिए रिव्यू करना चाहता हूँ, ओमेगा का ये मॉडल जो मैं रिव्यू करूँगा बहुत जल्दी आपके सामने। तो मैंने इसलिए इसको निकाला है, अब मैं आज नेट्स में ट्राई करूँगा, वीडियो जल्दी आप देखेंगे कि इसके रिजल्ट क्या रहे। तो ओमेगा का ग्रेनिकल्स का ये बैट बैलेंस वाइज बहुत सही है, बैलेंस भी सही है, प्राइस वाइज भी इकोनॉमिकल है, अगर मैं बाकी दो ग्रेनिकल्स बैट से कंपेयर करूँ। तो ये बैट था और जो भी सामान इसमें था यार वो मैंने आपको दिखा दिया। बाकी दो तीन किट बैग और हैं जो मैंने यूज़ किए हैं पिछले 7-8-10 सालों में, और बाकी जो पर्सनल यूज़ में लेके आ रहा हूँ उनकी अनबॉक्सिंग बाद में करेंगे। अब किट बैग की बात कर लेते हैं, पहले इस किट बैग की, ग्रेनिकल्स का ये किट बैग, ये बहुत सही है। बस में एक कमी है इस किट बैग में, अगर आप इसे रोल करने आते हैं ना, इसमें टायर नहीं है, तो जो टायर होते हैं ना ग्राउंड में घूम रहे हो आप, ऐश कर रहे हो, वो नहीं है। आप बस टांगिए इसको और निकल जाइए। और लुक वाइज स्पेशियस है बहुत ज़्यादा। तो एज अ किट बैग अगर सिर्फ आपको चाहिए तो ग्रेनिकल्स का बहुत अच्छा किट बैग है, ये अराउंड 5,000 रुपये का पड़ेगा आपको, ये तो वैल्यू फॉर मनी है, अच्छा किट बैग है। तो ये मेरा ग्रेनिकल्स का किट बैग जो जस्ट अब इसमें था मैंने इसे कर दिया। और हाँ, हमेशा पानी की वाटर बॉटल, शूज़ हमेशा एक्स्ट्रा रखिए, वो हमेशा रखता हूँ मैं, और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, वो तो होना ही चाहिए आपके पास। इसके अलावा और मतलब डिहाइड्रेशन बचने के लिए इस वेदर में लाइक ग्लूकोज समथिंग लाइक दैट गेटोरेट हमेशा वो पियो, अपने पास रखो, नहीं है तो सिंपल पानी पियो, वो बहुत ज़रूरी है। पेयर ऑफ शूज़ एक्स्ट्रा, जो कि आपको मैं बाकी जो किट बैग्स हैं जब मैं दिखाऊँगा उसमें फिर बताऊँगा उसमें क्या क्या सामान, जो ऑब्वियसली पूरा स्प्रेड आउट हो चुका है वो दिखाऊँगा आपको। ये ग्रेनिकल्स थी और जल्दी से और भी अनबॉक्स करेंगे जल्दी, और ऐसे स्पोर्ट लॉन्च पर देखते रहिए। जल्दी मैं शूज़ पे भी आ रहा हूँ, और आप लोग मुझे बताइए कि नेक्स्ट स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में या डिफरेंट स्पोर्ट्स में मैं क्या अनबॉक्स करूँ, किसका रिव्यू करूँ, ज़रूर बताइए। और प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। तभी तो यहाँ से होगा। और हाँ, सी यू सून।